आज का हमारा टॉपिक है हेडिंग स्टाइल। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हेडिंग स्टाइल यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित एंड अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट रहे वो जो भी पर्सन देखे उसे हेडिंग देखते ही उसे पढ़ने की इच्छा हो, अट्रैक्टिव आपकी हेडिंग स्टाइल हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम अपने जो हेडिंग स्टाइल है एमएस वर्ड में उसे बना सकते हैं। देखिए, हेडिंग स्टाइल बनाने के लिए हमारी थ्योरी यह कहती है कि एमएस वर्ड ऑलरेडी आपको हेडिंग वन, हेडिंग टू इस तरह के स्टाइल खुद ही प्रोवाइड करता है, लेकिन आप खुद से कोई स्टाइल बनाकर उसे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से हम अपनी बनाई हुई हेडिंग को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर पहले से दी हुई इनबिल्ट हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। हमारे पास यहाँ कुछ थ्योरी लिखी हुई है, इसे हम कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है, ये तो आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हेडिंग स्टाइल है जिसमें नॉर्मल और उसके बाद वाले हेडिंग स्टाइल पे हमने क्लिक किया तो जो हमारी लाइन स्पेसिंग थी वो कम हो गई है। हम इसे वापस से नॉर्मल पर सेट कर लेते हैं और अब चलते हैं हेडिंग वन, हेडिंग टू स्टाइल पे। इसीलिए हम हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिए कि हम जब हेडिंग वन यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से हमारी हेडिंग का स्टाइल चेंज हो रहा है। आप सेम प्रैक्टिकल को करेंगे ताकि आप हेडिंग वन, हेडिंग टू के स्टाइल्स को देख सकें। 4, 5, 6 ऐसे करते हुए आगे तक हेडिंग आती जाएगी। आप अगर आगे की हेडिंग चाहिए तो आप माउस पॉइंटर से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे टाइप के स्टाइल आप देख सकते हैं। अगर आपको टाइटल, सब टाइटल इस तरह की हेडिंग डालनी है तो आप ड्रॉप डाउन एरो में जाकर बहुत सारे स्टाइल, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इन्हें अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप के स्टाइल मिलेंगे जिसे आप क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आइए सीखते हैं कि हम खुद का स्टाइल कैसे ऐड करें। इसके लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसे अपना मनचाहा कलर दे देंगे। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप सेट कर लीजिए। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को कर लेते हैं बोल्ड एंड इसके बैकग्राउंड में दे देते हैं कलर। अब देखिए, इसके बैकग्राउंड में आपको कलर देना है तो हम बकेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको लग रहा है उसे चूज़ कर लेंगे। इस तरह से हमने अपना खुद का एक स्टाइल तैयार कर लिया है। हमने जो स्टाइल बना रखी है अब हम उसे अपने एमएस वर्ड में स्टाइल वाले ग्रुप में ऐड करेंगे। इसके लिए हम कर लेंगे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे स्टाइल वाले ऑप्शन में, जिसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें वहां ऑप्शन दिखाई देगा सेव सिलेक्शन एंड न्यू क्विक स्टाइल, तो उसमें हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देगा जिसमें हम स्टाइल का नाम देंगे। ये स्टाइल वन भी रहने दे सकते हैं तो हम इसमें नाम टाइप कर देते हैं, जैसे हमने 1, 2, 3 दे दिया। ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए स्टाइल हमें सामने ही दिखाई दे रहा है 1, 2, 3 जो कि हमने बनाया है। अगर वो आपको वहाँ ना दिखाई दे तो आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करके, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आगे वो स्टाइल दिखाई देगा। अब इस स्टाइल को हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम यहाँ से कोई भी लेटर टाइप कर लें, यानी पहले हम टाइप करें उसके बाद हम उसे अप्लाई करें। तो हम यहाँ टाइप कर लेते हैं जल्दी से, जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया मैनुअली। टाइप करने के बाद हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमने जो स्टाइल बना रखी है उसमें क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें स्टाइल अप्लाई हो गया है। अब दूसरा तरीका, पहला तो ये था कि हमने पहले टाइप कर लिया और उसके बाद हमने अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे कि पहले टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम कुछ भी, जो भी आपको लग रहा है वो चीज़ टाइप करेंगे तो उसमें स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आप दो चीज़ें सीखिए कि पहले भी आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं और टेक्स्ट लिखने के बाद भी आप इस स्टाइल को
अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि स्टाइल को अगर हमें रिमूव करना है तो वापस हम ड्रॉप डाउन में जाएंगे एंड उस स्टाइल में करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव का, तो हम रिमूव वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारे स्टाइल वाले ग्रुप से हमने जो भी स्टाइल बनाया था उसे हमने रिमूव कर दिया है। इस तरह से आप स्टाइल को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं।